छठी एनिवर्सरी मना छठी छः साल यानी छठी एनिवर्सरी मना रहा हूँ। कितनी खुशी आज आज तो मैं जो है ना जैसे आसमान में तारे है देखो इतनी इधर खुशी है देखो उनसे ज़्यादा मेरे को खुशी वाइफ खुश मेरी वाइफ खुश तो अनुभव अरे क्या हम पूछो हर साल हर दिन हमारी तो ऐसी ऐसे हर दिन हर रात खुशी की रात। इस दिन की तैयारी आपने कितने कब से करके रखी है कि मैं आज एनिवर्सरी मनाऊंगा? आज एनिवर्सरी मनाने का तो दिन समझ लो जुमा पड़ते ही एनिवर्सरी मनाने की खुशी जाग उठी। गिफ्ट क्या दिया? अबे क्या दिया बोलो तो सारा कुछ गिफ्ट दिया मैं। इतनी फिल्में दी आप इतनी फिल्में दी बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए आज या आज मैं सिस्टर आप भी बोलिए ना कितना बड़ा गिफ्ट है। साल आपकी शादी को गए आप कितना मतलब आपस में जो मोहब्बत है वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो इस क्या बहुत ज्यादा है दिख रहा है दिख रहा है ना दिख रहा है कितने कितना मतलब एक्साइटेड हो आप आपने कितना इंतजार किया इस दिन का कि आज आपका एक्चुअली तो ये प्रोग्राम हमने सडनली किया कुछ प्लानिंग नहीं था इसका और देन आई एम रियली हैप्पी टुडे। हमने देखा यहाँ पे कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स दोस्त ये तो जानने वाले जैसे सर सर क्या कहेंगे आप सर मैं हूँ मैं हूँ बोला तो आप सर सबसे पहले मेरे परिवार वालों को नमस्कार और बड़ी खुशी है कि खान साहब ने हमें इनवाइट किया अपनी शादी के सालगिरह पर और मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह का आशीर्वाद तहे दिल से तहे दिल से। थैंक यू सर थैंक यू और जब तक हम जिंदा रहेंगे आपकी जोड़ी अमर रहेगी ये हमारा वादा है सर। थैंक यू उसके बाद सर उसके बाद आप बोले ना और कोई बोलने वाला फिर आएगा मेरे जैसे। ओके सर ओके क्या बात सर मेरा नाम है अशोक त्यागी। कैसे जुड़े हैं सर? सर खान साहब से जुड़े थे कई साल से हैं मगर हमारे एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं और साथ में हमारी सिस्टर बैठी ये प्रोड्यूसर हैं क्या कर रहे हैं इनकी फिल्म में पार्ट अदा करता हूँ फिल्म में किसी में विलन किसी में पुलिस ऑफिसर खान साहब की फिल्म है। कितनी फिल्में कर चुके हैं आप खान साहब? खान साहब शायद मैं तीन फिल्में कर रहा हूँ और एक सिस्टर के साथ है फिल्म का नाम क्या रिया रिया नाम है जिसमें पुलिस ऑफिसर करेक्टर करता हूँ और वैसे तो सर मेरी फिल्में काफ़ी हैं जैसे आप देखिए सपूत सुनसेट यट से महाराजा उड़ान तीन मोती में हीरो आया उसके बाद बस लोटो फिल्में क्या प्यार की उमंग पुलिस वाले तो बड़े खतरनाक होते हैं लेकिन आपके चेहरे पे इतना कुछ सर हम पार्ट अदा खतरनाक करते हैं जैसे आप हमारे डायरेक्टर साहब देंगे और बाकी जिंदगी तो हमारी एक सिर्फ सही गुजारने में तो भलाई है वरना सर नेक्स्ट टाइम आपको फिल्म नहीं मिलेगी और ना आपसे कोई बात करें अगर आप बदमाश हैं तो और करेक्टर हम विलन का भी करते हैं आप देखिए हमारी फिल्म कमबख्त इश्क तो सर दूसरी फिल्म कौन सी हमारी है आप ना बताइए नहीं कोई जो भी लिस्ट फिल्म भरी एक फिल्म कर रहे हैं हम जिला बुलंदशहर जो डकैतों के ऊपर बनने जा रही है जिसके हमारे डायरेक्टर साहब हैं खान साहब और प्रोड्यूसर भी सर आप ही हैं ना। यस यस वेरी गुड सर और भुला दिए तूने वादे सारे भुला दिए तूने वादे सारे के सर हम विलन हैं विलन करेक्टर मेन लीड कर मेन लीड हां सर जैसे आप कहिए सर मैं आप क्या बोलना चाहूंगा एक बैक आप लगातार प्रोजेक्ट करते रहते हैं मतलब इतनी एनर्जी कहां से एनर्जी सर ये एनर्जी तो एनर्जी देने वाले एनर्जी है भाई आप इनको कैसे एनर्जी देती हैं बूस्ट होते रहते हैं और ये लगातार कोई नया प्रोजेक्ट बताओ 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 ये एनर्जी जो है ये एनर्जी मिल जाती है और दूसरी तो मेरे को क्या है ना मैं फिल्म के बारे में जानना चाहूंगा फिल्म क्या चल रही है आप कुछ बताइए रिया के बारे में। रिया अभी हमारी रिया मूवी चल रही है पोस्ट प्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ही पर्दे पे आएगी वो एक मेंटली रिटायर्ड बच्चों की जिंदगी पे ये कॉन्सेप्ट है। स्टार कास्ट बताइए उसमें कौन-कौन है इसमें अशोक त्यागी जी है और मास्टर राजू जी है रमेश गोयल जी है और न्यू है पूरे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करी है प्रोजेक्ट के लिए। और सर रिलीजिंग की क्या तैयारी की आपने? रिलीजिंग तो मोस्टली फेब में या फिर मार्च में हो जाएगा। कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँच चुका है? कम्प्लीट हो चुका है इसका पोस्ट प्रोडक्शन पूरा सॉन्ग का थोड़ा सा बाकी है बस। कम वक्त इश्क पूरा हो चुका है एकदम कंप्लीट फरवरी से मार्च फरवरी के लास्ट में तो मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज कर रहा हूँ और दूसरा भुला दिए तूने वादे सारे
ये भी कंप्लीट हो गया, दो तीन दिन का जो है शूट बचा हुआ है और इसको अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज करने के इरादे मेरे। आपके फिल्म में हमेशा कोई ना कोई नया कलाकार आ जाता है, तो ये आप कैसे कर लेते हैं नए कलाकार से एक्टिंग करवा लेते हैं? पहली बात तो मैं नए कलाकार को इसलिए चांस देता हूँ कि चलो भाई ये एक मौका कि चलो भाई ठीक है ये सुधर जाए। जगह जगह धक्का खा के आते हैं, लूट पिट के मेरे ही पास आते हैं सब जगह। जब देखता हूँ मैं लूट पिट के, कोई कहता है 2 लाख रुपए दे के आया, कोई 5 लाख दे के आया। जी जी, बहुत अच्छी। और फिर जब लूट पिट के आते हैं तो मैं सोचता हूँ मरा मरा है, चलो भाई ठीक है थोड़ा बहुत दे देता हूँ काम चांस, ताकि इसको जो है ताकि इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। और मेरे साथ में अशोक त्यागी जी हैं जो बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं। ये मेरी जो है फिल्म एक अभी बता चुके हैं कमबख्त इश्क में, उसमें एक लीड रोल कर रहे हैं। अभी ये जो है बुला दिए तूने वादे सारे, इसमें मैन लीड कर रहे हैं, रिलीज होने वाली है दोनों ही फिल्में। और जिला बुलंदशहर एक्टिंग तो कितना इनकी मेहरबानी है, खड़े हो जाओ या इनकी मेहरबानी है कि मुझे कोई ना कोई है कि आप सुभाष गई जी की तरह एक सीन को तो आ जाओ। क्या डायलॉग बोल के दिखाओ? सर डायलॉग मैं बोलूंगा, हमारे डायरेक्टर से मैं आर्टिस्ट में डालूंगा। सर बोली किस फिल्म का या किसी पुरानी फिल्म? सर एक फिल्म बोल, एक डायलॉग बोलता हूँ जो बड़ा फेमस हुआ था मेरा डायलॉग फिल्म में सपूत। सुनील शेट्टी को बोलता हूँ, सुनील शेट्टी को डायलॉग था, सुनील शेट्टी साहब मेरे से माचिस मांगते हैं, मेरा डायलॉग है सुनील शेट्टी को, माचिस होती दुनिया को आग लगा देता त्यागी नाम है। जी हाँ सर डायलॉग मैंने बोला, इनकी फिल्म का डायलॉग बोल रहा हूँ सर, जिसकी फिल्म का नाम है जिला बुलंदशहर, डायलॉग बोलता हूँ। ये बोल के दिखाएंगे नहीं सर, ये एक्ट्रेस नहीं उसमें, सर आर्टिस्ट सर, वो इसमें एक्टर हूँ, किसमें देख, ये डायरेक्टर है सर, डायरेक्टर है हमारे। मैं अभी एक मूवी कर रहा था जो कमबख्त जो रिलीज होने वाली है, उसमें एक ACP की भूमिका निभा रहा हूँ। जी एक लुक्का करेक्टर है, उसको बोलता हूँ कि लुक्का तेरे सर पे इतने जूते बजाऊंगा कि तेरी नानी याद आ जाएगी। चलिए सर थैंक यू। सर एक डायलॉग बोल लीजिए जिला बुलंदशहर का, मेरा नाम है जिला बुलंदशहर फिल्म, मेरा नाम है काली, डायलॉग इंस्पेक्टर काली को ना दे गाली वरना तेरी जिंदगी कर दूं पूरी खाली, बैठ जाओ। मामी आप ये बता दीजिए कोई डायलॉग आपके आप भी फिल्म में कर। हाँ आप तो आर्टिस्ट सिस्टर, आप तो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पटेल साहब डायलॉग आप भी आ जाइए सर। नहीं सर आपको होना बहुत मास्टर जी वाला डायलॉग वाला। हाँ बोलो बोलो, कोई बोल दे सिस्टर, नहीं कोई कोई नहीं रोने देना। जी सरकार आज एनिवर्सरी के मौके पर आप आए हो, क्या कहोगे? पहले तो पेश आप किस तरह से करोगे ये बताइए, दूसरे ये कि आप क्या इनके साथ प्रोजेक्ट करोगे? देखिए सर आज खान साहब की 6वीं एनिवर्सरी है, मैं तहे दिल से अपने और पूरे प्रोडक्शन हाउस के ओर से खान साहब और उनकी वाइफ श्रीमती आर्ची बागमारे जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भरी रहें। और आप इनसे कैसे जुड़े हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनके साथ और आप किस तरह से इन्वॉल्व हैं इनके साथ? देखिए खान साहब के और हमारे पारिवारिक संबंध हैं, बेसिकली हम लोग यूपी के अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पारिवारिक संबंधों के, प्लस मैं भी आप लोगों के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और इनफैक्ट अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ साथ मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं भी फिल्मी पर्दे पर कभी अभिनय की दुनिया में अपने हाथ आजमाऊँ, जिसके चलते मैंने इसमें ट्राई किया और ऑलमोस्ट आपके सामने रिजल्ट है। किस फिल्म में इनके साथ जुड़े हो, क्या किरदार है आपका, उसके बारे में? देखिए मैं अभी खान साहब के 3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक कमबख्त इश्क है, आर्ची मैम की रिया है और आर्ची मैम की एक फिल्म है अभी रनिंग होने वाली है बस। बस जी बस यानी बस बस जब कोई भी औरत अपनी मर्यादा खोती है तो बोलती है कि बस अभी बर्दाश्त नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। रिया में क्या किरदार है? रिया में मेरा पुलिस ऑफिसर का किरदार है, जूनियर पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। हिंदी में बोल दो, हिंदी में बात कर। छठा साल है एनिवर्सरी, तो आप कितना खुश हैं और आप कैसे विश करेंगे अपने तरीके से? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, मैं इनको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों हमेशा एक साथ रहें।
अच्छा, और आप क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं साथ में, कैसे जुड़ी हैं इनसे, कुछ इनके बारे में बताइए। मैं रिया, मैं बड़ी बहन का रोल कर रही हूँ, वो जल्दी रिलीज होने वाली है, और बस मूवी में भी मैं लीड ही कर रही हूँ। ओके, और मॉम डैड से आप कितना प्यार करती हैं ये बताइए इनके बारे में। जिससे मैं कितना, जितना प्यार मैं किसी से नहीं करती इस दुनिया में। आप कुछ कहेंगे, रिएक्शन कुछ दे दो बच्ची पे अपनी। मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कैसे आँख मीच के हंस रही है, पता नहीं इसको आँख मीच के हंस रही है तो लगता है कहाँ क्या कहोगे आप, इतना मतलब इतने खुशकिस्मत हैं आप, इतनी प्यारी बच्ची मिली है आपको, क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, और माता रानी से ऑलवेज ब्लेस करूँगी कि ये हमेशा खुश रहे। थैंक यू। मेरा नाम आशुतोष मोदी है और मैं आरची मैम से परवीन सर के थ्रू जुड़ा हूँ, और मैं आरची मैम को उनकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बस ओके। मेरा नाम विलास लक्ष्मण सिंगाड़े, मैं महाराष्ट्र हूँ, मेरी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की बहुत इच्छा थी, तो मेरी ये जो फ्रेंड है रसिका, उसके थ्रू मैं आरची मैम से मिला और इसमें एक काम करने की इच्छा की, और इसी के साथ मैं रिया मूवी में काम कर रहा हूँ, पत्रकार न्यूज़ रिपोर्टर का काम कर रहा हूँ। तुमने कितने मीडिया वालों का काम छीन लिया यार, न्यूज़ रिपोर्टर का काम कर रहे हो, मतलब नहीं वही खुशी है, हमें जो भी काम दिया वो हम अच्छे से निभाए। काम छीनने की नहीं, काम फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम एंड सर कैली खान सर टू सिक्स्थ एनिवर्सरी। ओके, एंड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इज रिया मूवी, एंड मेरा किरदार है गे का। बड़ा खुश है गे का किरदार करके तो। इधर को बड़ा खुश है, जरा मेरे को बचा कर रहना गे के हिसाब से। लग रहा है कि आप किरदार में खो गए हो, जैसे हाँ। कुछ प्रोमोट देखे हैं, ओके, पहचानने भी नहीं आ रहे हो, या तो क्या करोगे, कैसे किया आपने? कैसे किया, ज़्यादातर मेहनत तो मैम का रहा, उन्होंने सपोर्ट किया, और जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा उसी हिसाब से हमने किया, बट एक लगन था करने का, तो जो किरदार मिले वो हम कर सकते हैं। इससे पहले एक्टिंग कहीं सीखी या की डायरेक्टली आप खान साहब से मिले? नहीं नहीं, सीखा नहीं, बट फ्रेंड के थ्रू आए थे बस, तब से हम लोग ईयरली 2 या 3 ईयर से हैं हम लोग साथ में। साथ में आपने एक्ट की? नो, मैम के यहाँ पे। तो इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट? इसके अलावा अभी रनिंग मूवी जब चालू होगी बस की, उसमें रहेंगे। थैंक यू। आज एनिवर्सरी भी है और आप मेन लीड में हीरो भी हैं फिल्म के, रिया का। पहली बात तो सर जी का और मैडम जी की 6वें एनिवर्सरी की हार्दिक बधाई। थैंक यू। रिया में आपका क्या किरदार? सर मैं रिया में एक मध्यमन बच्चों का किरदार निभा रहा हूँ। आपके किरदार का ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, बेसिकली आपने बहुत मेहनत की। नहीं, क्या लगता है आपको कितना सपोर्ट मिला आपको प्रोडक्शन हाउस से? नहीं, प्रोडक्शन हाउस से तो हमको बहुत सपोर्ट मिला, मैं आरची मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो भी ज्ञान है इन्हीं की वजह से है। आप फिल्मी पर्दे पर एक मध्यवन बच्चे की भूमिका निभा रहे हैं, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसे बहुत से केसेज हम लोगों के सामने आते हैं जहाँ हम लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, रियल लाइफ में भी हम लोगों को ऐसा बदलाव लाना चाहिए? हाँ, लाना चाहिए। अपने मतिमंद किरदार के माध्यम से आप अपने दर्शकों जैसे को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सर ये एक मैसेज मूवी है, मैसेज मूवी है कि जो लोग बच्चों से जो थोड़ा मेंटल होते हैं उनको प्यार नहीं करते, उनको जैसे कि इग्नोर कर देते हैं, तो एक मैसेज मूवी है कि जनता देखे और बच्चे को, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार दे, और इसीलिए हम लोग इस मूवी को इतना मेहनत कर रहा हूँ। किस कार्यक्रम में आप शरीक हुए हैं, क्या नाम है आपका, अपने बारे में कुछ बताएं? मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं आज आरची मैम और खान साहब के मैरिज एनिवर्सरी पे अटेंड होने आया हूँ, और मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपने फिल्म रिया में क्या किरदार अदा किया है, अपने किरदार के बारे में बताइए। दोस्त का किरदार अदा किया है मैंने। इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए, कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार,
मैं तालुक यादव। ये हमारे खान भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज से नहीं 10 साल 12 साल हो गए, और इनके शादी की सालगिरह पे इनको बधाई और आरती मैडम को भी बधाई। आप बेसिक तौर पे एक कलाकार हैं, इंडिया में आपका क्या किरदार है, किस किरदार में नजर आएंगे? जी मैं एक अध्यापक हूँ और वो अध्यापक विलेन के रोल में। आम तौर पर हम गुरु को भगवान की संज्ञा देते हैं जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, लेकिन इसमें आपने ठीक इसके उलट किरदार अदा किया है। क्या संदेश दिया है इसके माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब इसमें संदेश क्या बताऊं, मेरा तो जो रोल था मैंने किया, डायरेक्टर साहब जैसा बोले जिस रोल के हिसाब से उस वो रोल मैंने किया। क्या आप समझते हैं समाज में जो किरदार आपने अदा किया है, ऐसे भूखे भेड़िए आज भी मौजूद है, इन लोगों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे बेटियां सुरक्षित रह सके? अब उपाय क्या, सिक्योरिटी गार्ड तो है नहीं कि चलो, अभी उसमें तो अकेलापन का नाजायज फ़ायदा लिया उसने, अध्यापक ने अकेलेपन का वो लड़की का नाजायज फ़ायदा लिया, एक तो मंदबुद्धि और दूसरे ना समझ। हमारे समाज में आमतौर पर मंदबुद्धि बच्चों को हम घड़ा की नज़र से देखते हैं, नहीं देखना। आप क्या समझते हैं, क्यों देखते हैं ऐसा, कि क्या होता है, आप अपने मन में कैसी धारणा लेके? नहीं देखना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए, अगर जो देखते हैं तो गलत है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए आपके माध्यम से दर्शकों को कोई संदेश? संदेश क्या उनको, अभी उनके बारे में क्या बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। खान सर और आरसी मैम की शादी की सालगिरह पर मैं शरीक हुआ हूँ, इनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप बेसिक तौर पे एक कलाकार हैं, फिल्म रिया में आपका क्या किरदार है? फिल्म रिया में मैं स्पोर्ट बॉय का काम कर रहा हूँ। आपका यहाँ किस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं? मेरा नाम नीलम गोयल है और मैं दोनों की शादी की सालगिरह में सम्मिलित हुई हूँ, और सबसे पहले तो मैं इन दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप बेसिक तौर पे एक कलाकार भी हैं, अभी खान साहब के यहाँ किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं? अभी मैं दो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, एक है भुला दिए तूने वादे सारे जिसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है, और दूसरा है कम्बख्त इश्क चुवारे वाले। कम्बख्त इश्क में आपका क्या कैरेक्टर है, किस किरदार में नजर आ रही है? नेगेटिव है सर, नेगेटिव आइटम, उसमें भी मेरा नेगेटिव ही कैरेक्टर है। हाँ जी। क्या नाम है आपका, अपने बारे में कुछ बताइए, आप किस कार्यक्रम में शरीक हैं? या मेरा नाम परी है, मैं आज सर की एनिवर्सरी में एंड दी की एनिवर्सरी में आई हूँ, सो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर ओके फॉर एनिवर्सरी, कॉन्ग्रेचुलेसन। इस प्रोडक्शन हाउस से आप कब से जुड़ी हैं? एक्चुअली मैं तो इसी मंथ से आई हूँ, मैं इलाहाबादी हूँ प्रॉपर, सर के मूवी में मैं काम कर रही हूँ एज अ लीड रोल, और मैंने एक आइटम सॉन्ग भी किया है सर के मूवी में। सो हाँ चलो, सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं आप। सर मेरा नाम अर्जुन सिंह है। और सर से कब से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक्चुअली, मैं 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ सर से। क्या बधाई देना चाहते हैं आप सर? शादी की सालगिरह है सर की। मतलब कैसे जुड़े हुए, फेविकोल का जोड़ है या कुछ और है? किसी और मकसद से जुड़े हैं, किस तरह जुड़े हैं? सर एक्चुअली मैं मूवी में काम करना चाहता था। तो मूवी मिली आपको? जी सर। कौन से फिल्म? भुला दिए तूने वादे सारे। ओके, उसमें क्या किरदार है आपका? एक्चुअली मैं फ्रेंड का रोल निभा रहा हूँ। किसके फ्रेंड का रोल निभा रहे हैं? हीरो का, जो नायक है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पूरन। अच्छा, क्या करते हैं आप, सर के साथ कैसे जुड़े? मैं एडिटर हूँ। अच्छा, तो मतलब कि सर से अंधेरी में मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो वहीं से मतलब एडिट के लिए मतलब यहाँ आए। तो आपने फिल्म एडिट करते हैं? हाँ, फिल्म एडिट। तो आपने अभी तक कितनी फिल्म एडिट की, कौन कौन सी किया है? मैंने 3-4 फिल्में की है अभी, मराठी भी है, 1-2-3-4 करके है, 4 एडिट करके है, और एक क्या बोलते हैं प्रेम लीला करके। अच्छा अच्छा, वो भी है, हिंदी है। ओके, तो आज सर को क्या बधाई देना चाहेंगे? सर को हैप्पी एनिवर्सरी डे है ना, और थैंक यू। और मैडम कितनी खुशी होती है जब मतलब इस तरह के लोग मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार देते हैं? बहुत ज़्यादा। और क्या कहेंगे अभी आने वाली लाइफ के बारे में, क्या क्या चल रहा है आपको? यही चाहूँगी मैं कि जो मेरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है रिया मूवी,
तो वो बहुत अच्छे लेवल पे जाए और सब जन उसको अच्छे तरीके से लोग पसंद करें। और दर्शकों से कुछ कहना? हाँ, मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी ये प्रोजेक्ट आने के बाद में मेरा रिया मूवी बच्चों को कोई अवॉइड नहीं करेगा, जो भी मेंटली रिटायर्ड बच्चों है उनको कोई अवॉइड नहीं करेगा। और मैं इसको मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि ये टैक्स फ्री हो जाए ताकि हर बंदा इसको देखे। थैंक यू।